मंदसौर के जो चंबल नदी है, चंबल नदी पे जो आज एक अज्ञात महिला द्वारा जो छलांग लगाकर आत्महत्या का मामला किया है, जिसमें गोताखोरों द्वारा जिला कलेक्टर के आदेशों पर गोताखोरों ने उस डेड बॉडी को निकाला, और डेड बॉडी को निकालने के बाद जिस प्रकार से जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें गोताखोर ही उस डेड बॉडी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा शर्मनाक मामला सामने आया है। और अभी तक वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला गया है लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं आई है, लेकिन जन चर्चाओं के आधार पर ये जो वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल में जो डेड बॉडी के साथ भी सेल्फी ली गई है, ये बहुत ही अमान्य और शर्मनाक मामला सामने आया है। संदीप जी, जो जल संसाधन विभाग के द्वारा जो जिला कलेक्ट्रेट ने जो मंदसौर जिले में बाढ़ आई थी और बाढ़ आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए जो पूरी टीम यहां मुस्तैद कर रखी है, वो टीम अभी भी यहां लगी हुई थी और उस टीम के द्वारा ही जिला कलेक्टर के आदेशों पे जो आज उस डेड बॉडी को निकालने का काम किया गया था। चंबल नदी पे जो शिवना पुल बनी हुई, उस जो चंबल नदी पे जो पुल बनी गई, उस पुल पे जो छलांग लगाई थी बालिका ने, तो उसको निकालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश पे ही वो गोताखोरों की पूरी टीम वहां गई थी और उन्होंने इस प्रकार का वाकया घटना जो डेड बॉडी के साथ जो लेने का सेल्फी लेने का किया कृत किया है, वो लेकिन अभी तक वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई की जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है। और वरिष्ठ अधिकारियों से हमने संपर्क साधने का प्रयास भी किया है तो उन्होंने कहा पूरा वीडियो हम खंगाल रहे हैं, हमें एमपीटीवी से जानकारी मिली है तो पूरे मामला जांच में लेके अगर दोषी होगा तो उनपे कार्रवाई करने की बात कही है। संदीप जी।